जिसके लिए देखिए ये 3 मीटर साटन का कपड़ा लिया है। सबसे पहले इसमें से मैं टॉप पार्ट के लिए कपड़ा अलग कर लूँगी। तो इस तरीके से कपड़े को खोलेंगे और 4 फोल्ड में बिछा के हमें जितना चाहिएगा टॉप पार्ट के लिए, इतना कपड़ा लेने के बाद हम बाकी के फैब्रिक को बचा देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको 4 फोल्ड में कर लिया है। कपड़ा कुछ ज़्यादा ही मतलब ये फिसलना है, ये बिल्कुल प्योर साटन है जो होता है फिसलता है उस टाइप का है ये। तो इसको हमें 15 का तैयार रखना है। तो हमने 16 इंच पे ले लिया है इसको लंबाई में। ऊपर से हमारा छोटा बड़ा है वो हमने इसमें से अलग कर दिया था, तो उसे बाद में अलग कर लेंगे। तो यहाँ से एक सीधी लाइन बना के और हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में निकाल देंगे। अब चौड़ाई में हमने इसको 11 इंच लिया है, पिन लगा ली हैं। 16 इंच होने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसको हम ऊपर निकाल देंगे। अब यहाँ से हम 7 इंच पे शोल्डर ले लेंगे और 7 इंच पे ही आर्म होल ले लेंगे अपने, और ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा जितनी भी आपकी ब्रेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके और उसमें आप 2 इंच ज़्यादा ले लें। और सेम हमारी कमर का भी, जितनी आपकी कमर है उसमें आप 2 इंच ज़्यादा ले लें। तो मैंने मार्जिन इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया है, 36 ब्रेस्ट का बनाएंगे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है, मेरे पास 2 पर्दे आ गए हैं। तो गला हम बुकरम पे बनाएंगे। अब ये बाकी का कपड़ा बचा है टॉप पार्ट निकालने के बाद। तो ये देखिए अभी हम क्या करेंगे कि इसको बीच में से कट कर देंगे ताकि हमें 2 पार्ट मिल सकें जिसमें हम प्लेटें डाल के इसको बनाएंगे। आप इसे अम्ब्रेला में बना सकते हो, लेकिन कपड़ा कुछ ज़्यादा ही फिसलना था तो इसलिए मैंने इसको प्लेटेड बनाया। तो इस तरीके से इसमें प्लेट डल जाएंगी तो ये कपड़ा हमारी कमर के बराबर हो जाएगा कम इस तरीके से। अभी हमें क्या करना है कि ये देखना है लंबाई में। तो जैसे कि मुझे अपनी जो लंबाई है वो 55 की तैयार चाहिए, तो मेरा 55 होने के बाद जो मार्जिन है वो सिलाई में जाएगा। तो मेरा प्रॉपर पूरा आ रहा है। अगर आपको कम में बनाना है तो आप इसे कट कर लीजिए नीचे से। अब मैंने इसके लिए पतला वाला जो कॉटन का अस्तर होता है वो सिर्फ टॉप पार्ट में यूज़ किया है, नीचे बॉटम में मैंने यूज़ नहीं किया है। अब इसके चारों तरफ को सिलाइयाँ लगा दूँगी। टॉप पार्ट में मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये जो कपड़ा है ये साटन का है, तो साटन का थोड़ा सा खिंचता है कपड़ा, तो इसीलिए इसे सिंगल में सिलती तो ये खिंचता फिटिंग होने के बाद, इसीलिए मैंने इसमें। अब बहुत पतला सा अस्तर है ये, मतलब धुलने के बाद बिल्कुल पेपर पेस्टिंग जैसा हो जाता है। अब इसको 2 फोल्ड करके अब इसमें हम गोल गला बना लेंगे। गोल गला जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं उसी टाइप का है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। तो इसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर फोल्ड करके, ये मैंने 6 इंच लंबाई 3 इंच चौड़ाई लेके गला कट कर लिया था। अब यहाँ से हमने सेंटर में एक निशान लगा के और एक कट लगा लिया है, और गले के ऊपर भी गले को उल्टा करके रखेंगे सीधी साइड को, और पहले एक सीधा हम सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको हम चारों साइड से घुमा के और पूरा सिल लेंगे। बैक और फ्रंट दोनों ही पार्ट को हमें ऐसे ही सिलना है जैसे हम ये वाला सिल रहे हैं। उसके लिए भी सेम मैंने गला बनाया है, 6 इंच लंबाई है और 3 इंच चौड़ाई है। अगर आपको लंबाई में ज़्यादा कम करना है वो आप अपने हिसाब से इसमें बना सकती हैं। अब छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसे रॉन्ग साइड को फोल्ड करके और एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा देंगे, पूरा अंदर की साइड हम फोल्ड कर देंगे इसको। ये देखिए यहाँ से फोल्ड करने के बाद अब मैं इसको पूरा एक सिलाई लगा के कंप्लीट कर दूँगी, और सिलाई को बिल्कुल किनारे के ऊपर नहीं लगाना है, किनारे से थोड़ा सा रफ सिलाई बोल सकते हैं इसको आप, क्योंकि बाद में हम ये निकाल के तुरपाई कर देंगे। तो गोल गला बन के हमारा हो गया है तैयार। अभी हम नीचे के बॉटम को तैयार करेंगे। तो पहले देखिए अगर आप इसमें ऐसे प्लेटें डालना चाहती हैं तो आप इसमें डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकती हैं, लेकिन 2 इंच छोड़ लें पहले, 2 इंच इस साइड छोड़ना है, 2 इंच दूसरी साइड छोड़ना है। और आपसे ऐसे नहीं होता है तो आप सुई से कच्चा करके और फिर उस सिलाई को खींच के तब भी प्लेट डाल सकती हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप उस तरीके से। पर आपको ये प्लेट थोड़ी छोटी करनी होगी ताकि ऐसा लगे कि जैसे हमने इनको सुई से डाला है। ये देखिए मैं छोटी प्लेट के नीचे छोटी प्लेट लगा रही हूँ उससे, और ये ध्यान रखें नाप के कि बिल्कुल कमर के बराबर ही आनी चाहिए। ये देखिए कि ध्यान रखें आप, तो मैं बिल्कुल जितनी हमारी टॉप पार्ट की कमर है उसी हिसाब से हम ये डालेंगे, और 2 इंच ही हम इधर छोड़ देंगे। जैसे 2 इंच हमने उधर छोड़ा था क्योंकि यहाँ से फिटिंग होगी हमारी, तो फिटिंग वाली साइड को प्लेट नहीं डालनी है। तो ये पूरे में डल गई हैं। अब हम टॉप पार्ट को रख लेंगे उल्टा करके सीधी साइड को, ये मैंने सीधी साइड को मुँह करके तब डाली है प्लेट, और डायरेक्शन अपनी साइड किया था। अब बस ऐसे ही इनको हम
डालते हुए चलेंगे तो लुक अच्छा आ रहा है इसका। और ऐसे ही पीछे वाले पार्ट में डालेंगे। तो ये देखिए दोनों में हमने प्लेट डालनी है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे सुई से डालनी है। अब हमने ये बेल्ट के लिए 2.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है क्योंकि हम इसमें ऐसे तिरछा सिल के और फिर हम यहाँ पे सीधी सिलाई लगा देंगे। और सिलाई को हमने जो बेल्ट की लंबाई ली है वो हमने लगभग 15 इंच ली है दोनों की, मतलब दो चाहिए हमें तो 15-15 इंच ली है। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से इसे कर सकती हैं लेकिन इससे कम ज़्यादा ना करें। अब हम इसको थोड़ा सा जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसे कट करके और पेन की हेल्प से इसे सीधा कर लेंगे जैसे हम डोरी सीधा करते हैं, और यहाँ से इसके कोने निकाल देंगे। और इसे लगाने का तरीका भी बताऊंगी। और इसके ऊपर हम हल्की सी प्रेस लगा लेंगे। तो यहाँ से अब हम बाजू कट कर लेते हैं। बाजू की लंबाई है 17 इंच और बाजू की चौड़ाई 8.5 इंच लेके खुली वाली साइड से 3 इंच लेने के बाद अब यहाँ से बाजू की शेप दे देंगे इस तरीके से नॉर्मल बाजू की तरह। अब यहाँ से हम 7 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे 8 इंच पे और ऐसे शेप दे देंगे इसको, मतलब हल्की सी तिरछी। और यहाँ से खुली वाली साइड से गोलाई दे देंगे ताकि इसमें कोना ना निकले, और ऐसे ही इसकी कटिंग कर देंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, कटिंग नॉर्मल बाजू की तरह ही होगी। बस घेरा नीचे से ज़्यादा लेना है और जो हमारी एल्बो होती है वहाँ से थोड़ी सी ऐसे गोलाई दे देनी है। तो ये हमारी दो बाजू कट के तैयार हैं, 4 तह में रखा था कपड़ा। अभी हमने शोल्डर जोड़ लिया है, अब हम नॉर्मल बाजू की तरह ही इसमें बाजू को लगा देंगे। ये देखिए यहाँ से हमें नॉर्मल बाजू की तरह जैसे हम अपनी हर बाजू को लगाते हैं उसी तरीके से दोनों बाजुओं को हम लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए बाजू लग गई है, अब इसे नीचे से मोड़ देंगे। पहले हम इसको सिंगल मोड़ेंगे फिर उसके बाद दोबारा मोड़ेंगे। आप इस पे पीको भी कर सकती हैं। और जो नीचे का घेरे वाला बॉटम है उसे मैं नहीं मोड़ूंगी क्योंकि मेरा जो मार्जिन था वो तो प्लेट वगैरह भरने में ही चला गया शोल्डर जोड़ने में, और उसमें मुझे मोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उसमें ना नीचे किनारी आई हुई है तो उससे अच्छी फिनिशिंग आ रही है उसमें, तो मैं उसे नहीं मोड़ रही हूँ। आप चाहें तो उस किनारी के ऊपर ही पीको करा सकती हैं अगर आपका किनारी वाला पार्ट है तो। तो फ्रेंड्स अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। अब बस हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करने के बाद ये गाउन बनके तैयार है और कमर वाली साइड को ही हमने इस बेल्ट को जोड़ दिया था। दोनों साइड से फिटिंग हो गई है, वो आपको अपने हिसाब से करनी है। अच्छा लगे तो ज़रूर बताइए।